भैया जो ये स्वतः जन सैलाब हुआ है, इतना बड़ा जन समर्थन क्या कहेंगे? बेगूसराय नगर निगम एक सेवक के रूप में जो मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैं कभी भी अपने आप को न मेयर समझा न पार्षद समझा। 2011 से लेकर आज तक 2022 ये 12 साल मेरा तपस्या है इस बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में, पूरे जिला में, जहां से लोगों ने मुझे बुलाया एक बेटा के रूप में, एक सेवक के रूप में मैं उनके दरवाजे गया। और आज तमाम अभिभावक का आभार हम व्यक्त करते हैं जो जनसैलाब के रूप में जो प्यार अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी बहू को आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना भी चाहता हूं जो आप अपने बहू को आशीर्वाद दें, एक बेटी के रूप में आपका ये भी लगातार सेवा करती रहेगी। पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया है, जनता के बीच जा रहे, जनता से क्या कहेंगे? माननीय महापौर जो बनेगी लेकिन मैं एक सहयोगी के रूप में कहना चाहती हूं, अगर आप लोगों का नागरिक होने के रूप में सुझाव दूंगा सबसे पहले जो जाम की समस्या उसे आप मुक्ति दिलवाएंगे, जल निकासी की समस्या हो विशेषज्ञों की टीम बने और जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे और जहां भी जैसे सरकार बने ताकि जो जल जमा होता है वो शहर में नहीं है, कहीं छत जो है लोगों को व्यवस्थित करने का हम प्रयास करेंगे। शहर जो है आने जाने में जो हमारे लोग आते हैं, जो शहर वाले और जनता की जन की आवाज बनूंगी, जनता शहर का विस्तार हो, नए नए कॉलोनी बने, जनता का अगर प्यार और आशीर्वाद मिल गया इस तरह के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पर बने एक बार आने वाले दिन में और एक बार संकल्प लेती हूँ बहुत धन्यवाद मैं नगर निगम को एक बेहतर नगर निगम जनता के मन में है। हमारी नई महापौर अगर बन के आई तो मेरे जनहित के लिए काम करेगी और हर समस्या को समाधान करेगी। और जैसे कि उनके पूर्व मेयर संजय जी हैं, उनके द्वारा लिया गया संकल्प था जो नगर निगम एक बेहतर नगर निगम बने और उनका कार्यकाल कुछ ही दिनों के लिए मिला, इसके चलते उनका आधा बचा हुआ सपना रह गया। आज मैं पिंकी देवी वार्ड पार्षद 17 की वार्ड पार्षद पूर्व मेयर संजय जी की पत्नी महापौर पद की प्रत्याशी बनके नामांकन करा के आ गई हूँ और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प। बेगूसराय में भी नगर निगम चुनाव का ऐलान होते ही और आज से नामांकन शुरू होते ही लगातार प्रत्याशियों के जो नामांकन कराने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है और इस समय हमारी मौजूदगी है बेगूसराय के समर नाले के पास। और यहाँ भी जो है नगर निगम में जो मेयर प्रत्याशी हो सारे लोग यहाँ नामांकन करवाने आ रहे हैं और आज यहाँ पर बेगूसराय में महिला मेयर प्रत्याशी जो है पिंकी देवी वो यहाँ पर नामांकन करवाने के लिए आए हैं, उनके समर्थक यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तस्वीर एक बार देख सकते हैं, पूरी तरह से भीड़ लग गया और यहाँ लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर, आप भी आए हुए हैं यहाँ पर? जी जी, मेरा नाम हीरा कुमार है। जी, कहाँ से आए आप? हम आए हैं नगर निगम वार्ड नंबर 17 से। अच्छा, देखिए मेयर पद के लिए पिंकी देवी क्यों जरूरी? क्योंकि उनका कार्यकाल जब वार्ड पार्षद थे हम लोग देखे हैं, इसीलिए जरूरी है। 17 में वार्ड पार्षद में इतना काम किए जो किसी वार्ड में आप देख सकते हैं, 45 वार्ड में उतना काम कोई पार्षद नहीं किया, इसी के लिए पिंकी देवी जरूरी है। पिंकी देवी को जरूरी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिए युवा लोग सब हैं, देखिए युवा जो से देखिए आप भी समर्थक हैं ना? जी जी, आप भी आए यहाँ पर समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे आप पिंकी देवी को? क्यों जीतना चाहते हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं? वो हमेशा से अच्छे काम करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे करते रहेंगे, इसीलिए उनको हम जिताना चाहते हैं। क्या हाल है, डोले सोले पूरे बना करके आए, आप भी समर्थन में आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और लोगों से मिलके और जो मतलब खड़े हो रहे हैं उनके लिए आए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, कुछ अच्छा करे और चाहते हैं बेगूसराय का कुछ डेवलप हो अच्छे से, सड़क रोड नाला ये सब पे ध्यान दिया जाए, इसलिए हम आए। क्या लगता है ये इनको जब जीतेंगे तो ये सब चीज़ ध्यान देंगे?
हाँ हाँ हमको लग रहा है, इसलिए तो हम सपोर्ट करने के लिए आए। समर्थन पूरा है और जीत भी इस वक्त पक्की है। आप देख सकते हैं पूरा सैलाब, जनता का पूरा सपोर्ट है हम लोगों को। और इस बार पिंकी देवी का आप देख ही चुके हैं कितना आउटस्टैंडिंग इनका परफॉर्मेंस रह चुका है। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं जो जनता के प्रॉब्लम को समझती हैं, और प्रॉब्लम से लेकर स्कूल, बच्चे के एजुकेशन, सब चीज़ के बारे में वो जब भी बात करती हैं, और वो करके दिखाएंगी ये बात। हमें पूरा भरोसा, जनता का पूरा भरोसा। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जहाँ तक आप देखेंगे जनता का पूरा सपोर्ट उनको दिखेगा। चलिए, कैसा समर्थन आप देख रहे हैं? आप भी समर्थन? मैंने बेगूसराय के सारे युवा और माता जनता सभी उमंग से पिंकी देवी के सपोर्ट में खड़ा है, और पिंकी देवी विजय घोषित है। जीतना इसको कहिए, महा जीत के साथ पिंकी देवी पद पे जाएंगे और बेगूसराय सेवा करेंगे। अच्छा, पिंकी देवी क्यों जरूरी? इसलिए कि उनको 6 साल का अनुभव है, उनको 6 साल का अनुभव है। पहले इससे पहले वार्ड 17 में पार्षद रह चुके हैं, और उनको काम करने का तरीका मालूम है, उनको जाने से पहले सब कुछ मालूम है। वहाँ जाने के बाद सिर्फ काम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ चश्मा लगा करके खड़े हैं, खोल का चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगा खड़े हैं, समर्थन में आए। पिंकी देवी क्यों जरूरी है नगर निगम के लिए? पिंकी देवी इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे पहले पिंकी देवी के जो पति थे संजय कुमार जी, उनका काम 2.5 साल में इतना बेहतरीन था। आप यहाँ जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये बुलाया नहीं गया, ये खुद आया है उनके काम के लिए, उन्होंने जो पूर्व में काम किया है उसके लिए। और पिंकी देवी इसलिए जरूरी है जो उनका काम अधूरा रह गया, और जो बेगूसराय का विकास होगा वो और बेहतरीन ढंग से करेंगे। जो भी सड़कों का भी आप प्रॉब्लम दे सकते हैं, बेगूसराय में सीवेज सिस्टम लाया गया लेकिन पूरा बेगूसराय सी में कन्वर्ट हो गया, उसका वे कहीं है ही नहीं। आप देख सकते हैं जगह जगह जल जमाव है, जाम है, ना कोई साधन है ना कुछ है। तो इसके लिए पिंकी देवी जरूरी है, पिंकी देवी जरूरी है, जरूरी है, और पिंकी देवी ही आएगी। लोगों में पूरा उत्साह है, समर्थकों में उत्साह है कि पिंकी देवी ही जरूरी है और पिंकी देवी को ही मेयर बनाएंगे।